क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेनली इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोशिश करेंगे इसके सारे पार्ट से खत्म करें आज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट को कहते हैं। क्या होता है अरेंजमेंट? तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कह सकते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बहुत ही क्लोज रखने के अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का शुरुआत का डेफिनेशन अगर थोड़ा आप देखते हैं, तो इट वॉज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट वेरी इनसिग्निफिकेंट डिस्टेंस, इनसिग्निफिकेंट और वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सच दैट वी कैन अज्यूम कि बोथ सुपर कॉइंसाइड, मतलब इतने करीब हैं कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे पे सुपर कॉइंसाइड कर रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको क्लियर है बेसिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ नहीं करते हैं, किसी का आवाज अगेन ध्यान दो आप खुद भी। तो किसी भी दो चार्ज को अगर लेते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट है, अगर उसको एक छोटे से डिस्टेंस पे रख देंगे, दैट विल बी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सुपर कॉइंसाइड का मतलब सिंपल एक दूसरे के ऑलमोस्ट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं सुपर कॉइंसाइड कहेंगे, और कुछ नहीं, टर्म है बस। देखते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज, ठीक है, ठीक है, माइनस क्यू, और दोनों ना एक डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बात कर। अब क्या इसको, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गया, अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसका क्या कुछ मैथमेटिकल मेजरमेंट है क्या? तो यही पे नाम आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। हम लोग तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम देख रहे हैं, तो इसका मैथमेटिकल टर्म होता है, टर्म रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी से, क्लियर है। तो पी इक्वल्स टू होता है सिंपल क्यू इनटू सो सो आवाज चला गया था आई थिंक, ठीक है, ओके, सबको क्लियर है। तो P इक्वल्स टू होता है Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, एक चार्ज का स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, क्लियर है। आगे देखते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू डी। अब मैं कह रहा हूं कि कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू नियर बाई चार्जेस। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, हमेशा। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सबको क्लियर है, नोट्स में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा पहले अरेंजमेंट, पहले डाइपोल होता क्या, डाइपोल एक अरेंजमेंट को कहते हैं, अरेंजमेंट मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव का अरेंजमेंट बहुत ही क्लोज रखा हुआ है। दूसरी बात, उसको मैथमेटिकली कैसे मेजर करते हैं, तो मैथमेटिकली मेजर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। इसका वैल्यू होता है पी इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू बोले तो वर्षा आप कह रहे हो साथ साथ लिखें, वर्षा आप लिखते रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो, बट व्हाट दैट टाइम ले लेता है बस। आज डेरिवेशन कराएंगे, वो सब साथ साथ लिखना, आप डेरिवेशन जो भी कराऊंगा वो सब साथ साथ आप लिखेंगे, ठीक है। खैर, P इक्वल्स टू Q इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कितना होगा, तो क्यों ना इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया जाए, वो कर लेंगे तो शायद हमें ज्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा। देखते हैं,
क्यों नहीं इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? एक बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है अपने पास, देखो सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दिया हुआ है, लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, व्हाट इज द नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मुझे लगता है सब लोग बड़े आराम से इसको बता सकते हो, और उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट कैंसर सही है, बिल्कुल सही सब लोग। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके उसका फॉर्मूला है क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी चीज पढ़े तो उसमें क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है प्रगति, आई थिंक आंसर इज करेक्ट। जल्दी से सबको ही आंसर दो, एवरीवन पुट आंसर इन चैट, सब लोग चैट में आंसर डालो। मुझे लगता है सब लोग स्क्रीन से एग्री करोगे, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दो चार्ज रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.30 मीटर। तो पहले कोई पूछ रहा है कि सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो, इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात तो थी नहीं, बात है दूसरे में, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या अपने को देखना है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, पी इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू इंटू डी, क्यू अपने को पता है 2.5 इंटू 10^-7, और डिस्टेंस कितना है 0.3। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसका यूनिट क्या होता है, मैं मिस कर गया बताना, यूनिट यूनिट होता है इसका, क्यू बोले तो कूलम और डिस्टेंस मतलब मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। सबको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ प्रत्युष, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमेशा जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली अरेंजमेंट अब यही तो डिफाइन किया हो कि डाइपोल मोमेंट तभी होगा ना जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहेगा, ठीक है। क्यों ना एक और क्वेश्चन इस पे करने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ ठीक है अरुणिशा, बिल्कुल सही है। अब मैंने जो लिखा है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, 0.75 × 10^-7, आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, ये फर्क है, ठीक है। क्यों ना एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सब लोग क्लियर आई थिंक, बोर्ड से मैं हटा सकता हूं, बिल्कुल चार्ज दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, हुबहू यही क्वेश्चन है, सब लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे।
मैं बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसमें फील्ड विल्ड क्या होता है वो सब आएंगे। रूट टू क्यू ए। नहीं अनिकेत, आई थिंक आपको एक बार और रिविजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। रूट थ्री क्यू ए अभिनव, जस्ट होप ये सही हो, बट आई डोंट थिंक। नहीं चेक करेंगे, चेक करेंगे, कोई बात नहीं है। ये अरेंजमेंट में डाइपोल है कहां, यही तो पहले निकालो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल है कहां इस फिगर में? अभिनव, इस फिगर में ना इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे, थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके समझा सकते हो क्या अभिनव? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे है इस फिगर में? सर इसमें प्लस टू क्यू चार्ज है, उसको दो प्लस क्यू चार्ज में तोड़ देंगे। आप इसको ऐसे करना चाहते हो क्या? यस सर। आप ऐसे कहना चाहते हो क्या, ये प्लस क्यू इसके साथ डाइपोल बना रहा है और ये वाला इसके साथ? ग्रेट ग्रेट अभिनव, ठीक है आप म्यूट कर लें। सबको क्लियर हुआ क्या ये बात? इस 2q चार्ज में दो प्लस क्यू है, तो ये इसके साथ डाइपोल बना रहा है, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कह सकते हैं कि यहां पे जो एक डाइपोल है वो कैसे है, इधर p1, और जो दूसरा डाइपोल है वो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव p2। बात क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, q into a होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, q into a, और इसका भी कितना होगा, q into a। सबको क्लियर है? चार्ज इंटू डिस्टेंस है। अब दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर आपको एक p1 और एक p2 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। नेट डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल लोगे, नेट नहीं निकाल लोगे, p नेट इक्वल्स टू अंडर रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस थीटा। नहीं हो जाएगा, कर लोगे ना, वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का सम करना है अपने को, तो सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, सब तो पी ही है, पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस 60 कितना होता है, वन बाई टू, कितना हो गया पी स्क्वायर, थ्री पी स्क्वायर, तो अंडर रूट थ्री पी हो जाएगा, अंडर रूट थ्री पी मतलब क्या, क्यू इंटू ए। बहुत सही था अभिनव, अब आपका सही था ये। क्या सबको क्लियर हुआ क्या? सब लोग को समझ में आया कि मैंने सिंपल कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एज अ वेक्टर सॉल्व किया? अगर हाँ तो यस लिखें एटलीस्ट, ताकि हम आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही था, जितने लोगों का रूट थ्री पी क्यू था। ठीक है, जस्ट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, अगर आ चुका है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं। ठीक है, चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते वक्त अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसके कुछ डेरिवेशन है, फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इस पर। और ठीक है, और ये डेरिवेशन हमेशा याद होना चाहिए, ये मैग्नेटिज्म में भी काम आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना आप हेडिंग डाल लो अपने सब लोग कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
चलो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब कंसीडर करते हैं तो उसको एक सिंपल सा माइनस क्यू प्लस क्यू का अरेंजमेंट ले लेते हैं और इसका एक सेंटर चुन लेते हैं ओ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से आज के बाद मेरे कोई डिस्टेंस बोलेगा ना तो मैं बोलूंगा कि इसके सेंटर से वो डिस्टेंस पूछ रहा है। सेंटर मान लिया ओ, ओ के ए मीटर इधर है और ए मीटर उधर दूसरा चार्ज है। ये सेंटर बहुत जरूरी है क्योंकि डाइपोल से डिस्टेंस तो लोगे सेंटर पे ही लोगे। तो अपन क्या चाहते हैं कि इसके आसपास के रीजन में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जनरली क्या करते हैं हम लोग, लोकेशन वाइज जाते हैं। हम लोग पहला लेते हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस यानी कहां पे, किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, किसी पी पॉइंट पे। पी पॉइंट मान लो सबसे अच्छा क्या है, पी तो एक बार यूज होने वाला, कोई क्यू पॉइंट पे हमने मान लिया, ठीक है, क्या ही है, क्यू भी यूज होने वाला, चलो एम, एम पे ले लिया। तो अपन ने इस एम पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ऐसा पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जो एक्सिस पे है या अलोंग द एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, सबको आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं ये एम जो पॉइंट है ना ये सेंटर से कितने दूरी पे है। सेंटर से अगर देखें तो हमने देखा कि मान लेते हैं ये सेंटर से कुछ ना आर डिस्टेंस है, एम का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है एम। और पहले ही मान लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि ये डाइपोल जो है वो बहुत छोटा डाइपोल है, ए बहुत ही कम है, ठीक है, खैर हम लोग आते हैं। चलो हम इसको ले लिया, हम एम पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भले डाइपोल है लेकिन है कैसे, बना कैसे, दो चार्ज की वजह से बना है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज बना है तो ये प्लस क्यू की वजह से अगर ले रहे हैं तो प्लस क्यू की वजह से अगर फील्ड निकाल लेंगे एम पे तो क्या होगा, इसकी वजह से अब ए होगा, क्लियर है। और अगर माइनस क्यू की वजह से देखेंगे तो फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, सिंपल सी बात है, प्लस की वजह से अब माइनस की वजह से टुवर्ड्स। तो क्यों ना दोनों निकाल लेते हैं इवन इटू, तो अपन इवन निकालते हैं, इवन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इवन, इवन का क्या लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखना होता है सब सब, तो लिखते हैं फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught क्यू, क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस कहां से, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या क्लियर नहीं है क्या कि टोटल डिस्टेंस आर है और ये ए है तो ये कितना होगा, आर माइनस ए, तो क्या लिख सकते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऐसे, क्लियर है। अगला क्यों ना ई टू निकालते हैं, 1/4 pi epsilon naught q अपॉन, अच्छा इसका देखते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है r है और यहां से यहां तक का कितना है a है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं क्या r प्लस a कितना हो जाएगा, क्लियर है सबको, इवन ई टू निकाल लिया, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने पास इवन आ चुका है, अपने पास ई टू आ चुका है, अपने को नेट फील्ड निकालना है। अच्छा नेट फील्ड निकालते हुए देखोगे ना कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो स्ट्रांग कौन होगा, जो करीब होगा वो स्ट्रांग होगा, ये वाला स्ट्रांग है और ये वाला क्या है वीक है, तो क्या सीधा सीधा नेट फील्ड निकालना है अपने को। यहां तक सब लोग लिख चुके हो, साथ साथ लिखते चलो, मैं इस बार 30 सेकंड रुक रहा हूं, काइंडली आप लिख लें इसको साथ साथ, सबको लिखते चलें जितना, क्योंकि साथ साथ समझ समझ भी पाओगे उससे, ठीक है, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। आपने इवन ई टू निकाला, अब हमें ई नेट निकालना है, नेट फील्ड, ठीक है, ठीक है। अब नेट फील्ड कितना होगा, ठीक है, नेट फील्ड की बात करते हैं, नेट फील्ड होगा अपना, इवन वाला स्ट्रांग था माइनस ई टू, इवन माइनस ई टू, ठीक है, जो भी है इवन माइनस ई टू, इवन वाला स्ट्रांग है अपने पास, इवन का वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 pi epsilon naught q by r minus a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 pi epsilon naught q by
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों ना चीजें कॉमन लेनी शुरू करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? सॉरी, 1/4 pi epsilon naught Q क्या हो जाएगा? 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 1/4 pi epsilon naught Q, बड़ी सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है सीधा सीधा, क्लियर है? सब साथ में लिखते चलें, ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? r प्लस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar होता है, और r माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar होता है। सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा ये ऊपर में? 4ar, और नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहीं पे अपने फॉर्मूले को एंड करते हैं, ठीक है, यहीं पे अपने फॉर्मूले को हमें एंड कर देना है, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। सब लोग यहां तक लिख चुके हो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं और मैं लिखना चाह रहा हूं, अब उस एम पॉइंट पे अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे कि नेट फील्ड कितना होगा, तो आप लिखोगे 1/4 pi epsilon naught क्यू ए आर, 4qar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा था, अभी तक नहीं यूज किया हमने, क्योंकि एग्जाम में यूज ही नहीं हुआ। तो यहां पे हमने एक सीन भी पहले क्रिएट किया था, सीन क्रिएट किया था हमने, हमने अज्यूम किया था कि ये जो आर है ये वेरी वेरी लार्जर देन ए है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, अगर ये केस नहीं मिलता है तो एकदम फॉर्मूला यही यूज होना चाहिए। मैं सिंपल सा हिंट कर रहा हूं आपको, एग्जाम में अगर आर ए से बहुत बड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है, अगर ए से बहुत बड़ा नहीं दिया तो सिंपल आप एक काम करें, आप सिंपल दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल के सॉल्व करें, ये अजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम्स में, तो ये ना करें हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, अब तो आर अगर बहुत बड़ा है ए से तो ए को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, तो अब कितना हो जाएगा? 4qar/4 pi epsilon naught r टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? क्यूब, ठीक है, सिंपल ला देखते हैं, 4qa, q into a क्या, q into 2a कितना होगा? सिंपल सोच लो, अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखोगे तो क्या होगा? p इक्वल टू कितना होगा? q into 2a, q into 2a, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या ऊपर में 2p, नीचे में कितना है? 4 pi epsilon naught, और क्या बचा? r क्यूब। ये आपका फील्ड का, फील्ड की वजह से फॉर्मूला, ये डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर प्रत्युष का क्वेश्चन है कि अगर अगर डाइपोल मोमेंट का ये वैल्यू दिया जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते फिर हम, ठीक है, लेकिन अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और अगर आर कंपेरेबल नहीं है, अगर आर कंपेरेबल हो जाता है, आर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल दिया है, अब हम क्या है फाइनल हम लिखने वाले हैं, अब सब लोग लिख चुके हो, हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमारे काम हो चुका है, तो हम फाइनल लिखने वाले हैं फॉर्मूला। हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओ है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है, इसके किसी भी एक्सियल पॉइंट पे अगर हम एम पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालते हैं तो इस फील्ड पे जो फॉर्मूला आ रहा है
नेट या फील्ड इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल आ रहा है वो आ रहा है 1/4 pi epsilon naught 2p/r³. r क्या है? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस. याद रखना है कि जो फॉर्मूला है फील्ड का, जो फील्ड का वैल्यू है, डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर है और फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है. तो हमेशा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अलोंग द डाइपोल, अलोंग द डाइपोल मोमेंट. ये याद रखना है, ये फाइनल ऑब्जर्वेशन जरूर लिखें. अपन फाइनल ऑब्जर्वेशन जरूर लिखें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू इतना होगा और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अलोंग द डाइपोल मोमेंट. क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या ये? इफ इट्स ओके देन लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे. अगर ओके है तो आप बता दो मुझे, ठीक है? एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे अभी तक हमने निकाला है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे. मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हो. स्टिल आप वीडियोस को एक बार, वीडियो को एक बार दोबारा रिविजिट कर लेना अगर दिक्कत आए तो. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, दूसरा आता है इक्विटोरियल पोजीशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फिर से इसका भी सेंटर है. इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट अगर रख दिया जाए तो मान लेते हैं कोई एम पॉइंट यहां रख दिया है, कोई एम पॉइंट यहां पे है मान लेते हैं. ठीक है, ये फिर से ए डिस्टेंस है और ये फिर से क्या है? ए डिस्टेंस है. ठीक है, ए है और मान लेते हैं कि ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ठीक है, एकदम इक्वेटोरियल पोजिशन पे. तो अपने को ना एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. मुझे लगता है आप सब लोगों का दिमाग इस बात पे तो चलने लग रहा होगा कि फिर से एम पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो अपने पास चार्ज दो है और दोनों चार्ज की वजह से रिजल्टेंट अपने को निकालना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेते हैं प्लस क्यू की वजह से. ठीक है, प्लस क्यू की वजह से लेते हैं. तो अगर हम लोग देखें इसको, ठीक है, तो प्लस की वजह से फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अवे होता है. प्लस की वजह से फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अवे होता है. मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं. हमेशा फील्ड क्या होता है? अवे होता है. तो अपन क्या नाम लिखेंगे? ई वन. और नेगेटिव की वजह से अगर देखें तो हमेशा क्या होता है? टुवर्ड्स होता है. कितना होता है? ई टू. क्लियर है? अपने पास दो होता है, ईवन और ई टू. नेगेटिव कैसे? अपन इवन की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ये डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस सबको पता है क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सेम गोज विद दिस आल्सो. ठीक है, तो अगर अपने को इवन निकालना है तो इवन का स्ट्रेंथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी. इवन बहुत आराम से लिख सकते हैं. इवन का डायरेक्शन, इवन का मैग्नीट्यूड होगा, किसी का आवाज अनम्यूट है उसको म्यूट कर लें, 1/4 pi epsilon naught q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, और अगर e2 की बात करते हैं, अगर e2 के मैग्नीट्यूड की, तो वो भी बहुत सिंपल है, सेम ही रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे ही है, 1/4 pi epsilon naught q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सारा खेल इसके डायरेक्शन पे आ जाता है. सारा खेल जो फंस जा रहा है इसके डायरेक्शन पे, डायरेक्शन कैसे ले, इनका वेक्टर सब निकालें. कुछ लोग बोलेंगे दो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे सब. और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. तो क्यों ना इसको वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक कर लें. ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस. अगर बात हम अलोंग द एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो क्या होगा? इधर कितना हो जाएगा? e1 cos theta
प्लस ई टू कॉस थीटा। अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कितना होगा ई वन साइन थीटा और कितना हो जाएगा ई टू साइन थीटा। सिंपल ब्रेक करने की बात है, इवन को कॉस साइन, ई टू को कॉस और साइन में ब्रेक कर दिया। खैर चलो आगे देखते हैं, अपन देखते हैं सबसे पहले अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, ठीक है वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो नेट फील्ड कितना होगा वाई एक्सिस के अलोंग, इवन साइन थीटा माइनस ई टू साइन थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है, इवन साइन थीटा माइनस ई टू साइन थीटा, लेकिन हम जानते हैं कि इवन ई टू की वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है। अगर इवन इक्वल्स टू ई टू है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इवन ई टू का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये अपने आप जीरो नहीं हो जाएगा क्या? यहां तक क्लियर है क्या? वाई एक्सिस के अलोंग फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? ये पॉइंट क्लियर है सबको? y एक्सिस के अलोंग फील्ड जो हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया जीरो हो गया। अगर ये हो गया तो इसको हटाते हैं, अब x एक्सिस की बात करते हैं, सारा खेल x एक्सिस पे ही है, ठीक है। अलोंग y एक्सिस नेट फील्ड जो है वो क्या है? जीरो। अब थोड़ा ना x एक्सिस की तरफ देखते हैं, अलोंग x एक्सिस देखते हैं, एक्चुअल में दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो जो नेट फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है? ईवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। बड़े सिंपल सी बात है, ईवन ई टू भी बिल्कुल सेम ही है, इसको सिंपल कह सकते हैं क्या? टू ईवन कॉस थीटा, सिंपल से जानते हैं हम कि ईवन इक्वल्स टू क्या है? इवन ई टू का मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी बिल्कुल ही क्या है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपल से डबल कर दिया, जो ये होगा वही क्या होगा? ये भी होगा। अब इवन की वैल्यू कितनी है? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। टू ई हो गया। कॉस थीटा क्या है? इस ट्रायंगल को देखो सब लोग, सब लोग इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा क्या? बेस कितना है अपने पास? बेस कितना है? ए। और हाइपोटेन्यूस कितना है? बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? सबको क्लियर है ये कि मैंने क्या बोला? सिंपल, टू हो गया, इवन हो गया, कॉस थीटा हो गया, क्लियर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब कुछ नहीं करना अपने को, सीधा सीधा सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं कहां देखें, ये लिखे ठीक है, यहां पे लिखते हैं, लास्ट ब्रैकेट बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे अगर आप गौर से देखें तो मैं सिंपल सा लिखना चाहता हूं कि ऊपर में क्या है? क्यू इंटू टू ए, ठीक है। नीचे में कितना है? 4 पाई एप्सिलन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला आ गया। दो बातें सबको क्लियर है, एक तो कि q इंटू टू ए कितना होगा, q इंटू टू ए को सीधा सीधा आप लिख सकते हो कितना, p इक्वल्स टू कितना होता है? q इंटू टू ए आप जानते हो, वहीं पे साइड में लिख देना आप, तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। और दूसरा चीज आप जानते हो कि R जो है वो वेरी वेरी लार्जर देन क्या है? ये है R क्या है? बहुत ही, A से क्या है? बहुत ही बड़ा है। जब R A से बहुत ही बड़ा है तो A को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्या? A को इग्नोर कर देंगे, तो इग्नोर कर दोगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? R क्यूब हो गया। फार्मूला, फार्मूला फाइनल हो गया। तो क्या फाइनल फार्मूला मेरे पास आ चुका है क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? सब लोग यहां तक लिख लो, मैं समरी करूंगा इसका, मैं इसका इसको समराइज कर दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ को यहां तक लिख लो। ये वाले दोनों चीजें ना,
जैसे ही अज्यूम करो ना, इसको साथ में लिख दिया करो, इतू डन। जस्ट होप कि बाकी लोग भी समझ जाएं, इतना लिख लोगे, मैं आखिरी में समराइज करूंगा। और याद रखना बहुत इजी है, डेरिवेशन अलग पार्ट है और याद रखना तो और भी इजी है। पवनेश क्लियर है? चलो बढ़िया। तो अगर क्लियर है तो सिंपल साहब, ना फाइनल फॉर्म फिगर पे जाता हूं मैं, ये सब लिखा रहने दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइनल फिगर पे जाता हूं। फिगर में फाइनल क्या था? माइनस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने फील्ड निकालने की कोशिश किया, हमने देखा कि नेट फील्ड जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है और नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ठीक उसके ऑपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है? 1/4πε0 पी अपन आर क्यूब। पहले 2π/r³ तो एक्सिस कह रहा हूं, यहां कितना है? π/r³। और जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है क्या? वहां पे क्या था? मैग्नीट्यूड 2π/r³ एंड डायरेक्शन था अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहां पे डायरेक्शन जो है वो क्या है? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको क्लियर है क्या? लिख लो यहां पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक टाइप। बोलिए क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ कहीं से भी लिख लो, सबको क्लियर है? तो आप अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। अब एक रैंडम पोजीशन की बात करते हैं हम लोग। सबको क्लियर है? हम दो डेरिवेशन कर चुके हैं, अभी हम तीसरे डेरिवेशन के जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर, इस टॉपिक में ना डेरिवेशन ही ज्यादा, न्यूमेरिकल्स वैसे कोई खास बनता नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। लास्ट वन इज एट रैंडम पोजीशन, ये एग्जाम में बहुत कम आता है ये, ठीक है। एट एनी पॉइंट इन स्पेस, इसलिए बहुत कम आता है, तो मैं इसको ना बहुत शॉर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है। बहुत इतना लेंदी डेरिवेशन की तरफ लेके इसको नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर से मैं मानता हूं, फिर से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, स्पेस में किसी चीज को कैसे शो करोगे? स्पेस में दो बातें आपको शो करनी पड़ेंगी। एक, सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा कि वो कितने दूर है, ठीक है, और दूसरा कि क्या किस डायरेक्शन पे है। तो हमने माना कि पहले तो मान लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे पॉइंट है, ठीक है। और आर डिस्टेंस पे और कैसे है? थीटा एंगल। स्पेस का मतलब होता है आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे अपन ना फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सोचा गया कैसे फील्ड निकाला जाए, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात करते हैं, फिर माइनस क्यू प्लस क्यू लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं सिंपल सी बात करूं, ये सोचो कि ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है। तो इस डाइपोल की वजह, इस चार्जेस की वजह से डाइपोल जो होगा वो कुछ किधर किधर होगा? क्या डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे कह सकते हो क्या? पी, क्लियर है? ये डाइपोल मोमेंट क्या है? कुछ पी है। हमने क्या किया कि इस डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया? ये डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जैसे पी है। तो हमने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट को इसके अलोंग ब्रेक किया। इसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं हम लोग, पी कॉस थीटा। अगर इसको इधर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा? पी कॉस थीटा। और अगर इसके ठीक परपेंडिकुलर इधर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा?
यानी आप चार्ज वाले अरेंजमेंट को भूल जाओ। हमने इस बार क्या किया कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो आप खुद सोचो कि अब दो डाइपोल से, अब एक डाइपोल नहीं, अब दो डाइपोल, एक है पी कॉस थीटा और दूसरा है पी साइन थीटा। क्लियर है क्या? इस फिगर को बनाओ, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूं। ठीक है, इस फिगर को बनाओ जल्दी से। सॉरी, जल्दी से बना लो फिगर। हमने बोला कि अब एक डाइपोल नहीं है, अब दो डाइपोल है। ठीक है, एक है पी कॉस थीटा, दूसरा है पी साइन थीटा। अब खुद मुझे बताओ कि क्या ये एम पॉइंट पी कॉस थीटा के एक्सियल पोजीशन पे नहीं है क्या? जो एम पॉइंट है वो पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन पे नहीं है क्या? और क्या ये पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल पोजीशन पे है क्या? ये बता दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पे है और पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल पे है। तो अब दो फील्ड इस पे लाई करेंगे। एक होगा पी कॉस थीटा की वजह से, वो कैसे होगा? अलोंग द एक्सिस है तो डाइपोल के अलोंग ही होगा। वो कैसे होगा? कुछ इवन। दूसरा पी साइन थीटा ऐसे है, ठीक है, पी साइन थीटा ऐसे है कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसके वजह से हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या होगा? इसके ठीक पैरेलल में। होगा क्या? सबको क्लियर आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूं पी कॉस थीटा के लिए वजह से, इसके वजह से एक्सियल पोजिशन पे था तो अवे होगा, एक इसी डायरेक्शन में होगा। और पी साइन थीटा अगर ऐसे है तो इसकी वजह से फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा? अवे होगा। अब मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि दो फील्ड्स अपने पास है, क्यों ना एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, फिर बात करेंगे रिजल्टेंट वगैरह की। और गौर से देखो कि दोनों फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे है, जो दोनों फील्ड है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट निकालना कितना आसान होने वाला है। खैर देखते हैं, इवन देखते हैं सब लोग। इवन एक्सियल पोजिशन की वजह से, ठीक है, इसके वजह से देख रहे हैं। इवन मतलब इसके वजह से, तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 pi epsilon naught 2p, 2p मतलब क्या? p cos theta 2p upon r cube, इससे आसान और क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught 2p, p बदले तो इस जगह p cos theta upon r cube। क्लियर है? e2 की बात करते हैं, 1/4 pi epsilon naught, अब ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो क्या लिखोगे? 2p नहीं होता, कितना होता है? p होता है। p की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? p साइन थीटा अपॉन। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट जितना बताया अभी मैंने? इवन e1 e2 सबको क्लियर है? इवन आपका p cos थीटा की वजह से है पहले तो, ठीक है, इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे है, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है? 2p/r³ होता है, लगा दिया। दूसरा इक्वेटोरियल पे p/r³ होता है। क्या सब लोग इसमें रिजल्टेंट निकाल सकते हो? सब लोग निकाल सकते हो नेट फील्ड कितना होना चाहिए? अंडर रूट इवन स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, अंडर रूट इवन स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अब
सर वॉइस नहीं आ रही है सर। भी आवाज आ रही है तो? काफी टाइम से आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है आवाज? क्या कितना रिपीट करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा क्या? अच्छी लैग अब आ रहा है। चलो इनेट से रिपीट करना पड़ेगा क्या? चलो देख लो, मैंने कहा इनेट निकालना है अंडर रूट ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर। अब जो फालतू चीजें हैं उनको बाहर निकाल लिया, ठीक है? जो फालतू चीजें हैं उनको बाहर निकाल लिया हमने, तो फालतू चीजें क्या क्या थी? 1/4 pi epsilon p/r³। अंदर में इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? 2 cos theta और इसके अंदर क्या है? साइन थीटा। तो 2 cos² theta + sin² theta। अब अंडर रूट के अंदर देखो क्या बन रहा है, 4 cos² theta + sin² theta। अब एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बन जाता है 1, तो बना दिया 1 और बचे कितने कॉस स्क्वायर थीटा? 3 cos² theta। यही आपका फॉर्मूला है। और अब मैं इसको फाइनल फॉर्म दे रहा हूं बोर्ड पे, जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं, आप लिख लो जल्दी से, उसके बाद फाइनल फॉर्म पे आते हैं हम लोग। वो क्लियर है? डेरिवेशन है अच्छा, इंपॉर्टेंट है, पर अभी तक तो कभी नहीं आया एग्जाम में। सो मैं इसको क्लियर है कि आपको रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, ठीक है? अगर माइनस क्यू है प्लस क्यू है, किसी आप आर थीटा पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी आर थीटा पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट पे जो फील्ड होगा फाइनली वो होगा 1/4 pi epsilon naught p/r³ अंडर रूट 1+3 cos² theta। ये अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है? अब कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, वो और अच्छा बात है। तो आप खुद सोचो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं नेट फील्ड कुछ इधर है, दोनों के ठीक बीच में होगा, तो एक बात तो तय है, ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है? तो ये वाला एंगल तो आपको पता ही है कितना है, थीटा। तो कह सकते हैं क्या कि डायरेक्शन के लिए थीटा प्लस अल्फा, डायरेक्शन के लिए क्या कह सकते हो? थीटा प्लस अल्फा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब अल्फा क्या होगा, यही निकालने के लिए फंसा हुआ मामला। तो अल्फा को आप कह सकते हो टैन अल्फा, सिंपल सी बात है, टैन अल्फा इक्वल टू ये ई2 आपने ले रखा था और ये क्या था
इवन टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना ई टू अपॉन इवन, सब लोग कॉपी में देखते चले ई टू अपॉन इवन। अब अपने पास ई टू कितना है, अपने पास जो ई टू है वो कितना था लिख लो एक बार, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई टू था अपना पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, डिवाइड कर लो खत्म खत्म पी खत्म। तो फाइनल आता है टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन टू, तो हम इसे अल्फा निकाल सकते हैं। तो जो फाइनल डायरेक्शन है ना हम लोग हमारे पास, फाइनल डायरेक्शन के लिए हमें थीटा प्लस अल्फा होता है, तो ये अल्फा एंगल कितना हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन टू। ठीक है, ये जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वैल्यू भी याद रहेगा तो 99% केसेस में क्वेश्चन बन जाएंगे, इसका बहुत एप्लीकेशन नहीं देगा आपको। सबको क्लियर है क्या एवरीवन? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने अल्फा निकाला, कोई आपसे पूछेगा नेट फील्ड किधर है तो आप कहोगे कि बेस से थीटा प्लस अल्फा एंगल के लॉन्ग है। ठीक है, थीटा अपने को पता ही और अल्फा आप निकाल लेंगे, बिल्कुल टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू होगा। प्रत्युष सबको क्लियर है, विल मूव अहेड। अब हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन पे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें एक ही डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चन सारा उससे खत्म करेंगे। हटा दो इसको, चलो अब ये डेरिवेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही ज्यादा पूछेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ना एक्सियल और इक्वेटोरियल, सनिया कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या, हैंड रेज किया? ठीक है, ओके ठीक है, हेडिंग है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैं ना इस बार किसी आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यानी स्पेस पे, यानी आप कहोगे कि सर एक्सियल इक्वेटोरियल अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक्सियल इक्वेटोरियल अलग करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन हम कर लेंगे, हम एक्सियल भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी यही डेरिवेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो आप कह सकते हो कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्पेशल वाला नहीं आता, इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल के लिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि चलो ये R है, तो इधर वाले से डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं अपन R1, और इधर वाले से मान लेते हैं कुछ R2, और ये थीटा है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये अपना क्या है O है, इसको मान लेते हैं कुछ A, इसको मान लेते हैं कुछ B, और इसको मान लेते हैं कुछ M। ठीक है, तो हमने एक एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ये अपना लेंथ कितना है ए, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना है आर। ठीक है, ट्रायंगल को फिगर को ध्यान से देखो, हमने बस कुछ नहीं किया, इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट इस चार से डिस्टेंस आर वन ले लिया और इस चार से डिस्टेंस आर टू ले लिया। क्लियर क्लियर है? तो अगर सिंपल सी बात करो कि अगर अपने से कोई पूछेगा कि माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि V1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V1 इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, R क्या लोगे R1, और डायरेक्शन क्या होगा माइनस लोगे आप, माइनस लोगे या फाइनल इसको साफ से अगर लिखोगे, किसी की आवाज देख लो, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R1। क्लियर है? और अगर बात करेंगे हम लोग V2 की बात करेंगे, तो V2 के लिए क्या लिखोगे, Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बोलिए क्लियर है क्या, सब लोग लिखोगे डेरिवेशन, V1 लिख लिया और V2 लिख लिया। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ M पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना है, तो क्या लिखोगे, नेट पोटेंशियल लिखोगे
बहुत सिंपल डेरिवेशन है एकदम, लिख दिया क्यूब अपॉन 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1, यही होगा ना? सब लोग इसमें क्लियर हो क्या? सिंपल सा डेरिवेशन, इतना तो पहले सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। मैंने बोला कि अब दिक्कत सिर्फ इतना है कि r1 r2 अपने को पता नहीं है, इसको रिप्लेस करना है, ये हम बाद में करेंगे। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो माइनस क्यू से r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल लिया, माइनस क्यू बाई 4πε0 r1, v2 दूसरे की वजह से कितना है क्यू अपन 4πε0 r2, ठीक है ना? जल्दी से इसको लिखें, हम 1/r1 माइनस 1/r2 को हम कैलकुलेट करेंगे अभी तुरंत। इतना लिख लोगे तो हम आगे बात करेंगे। या हमने V निकाल लिया है, नेट पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम हमारे पास एक आ गई है कि हमारे पास ना R1 का पता है ना हमें R2 का पता है, ठीक है? डन, प्रगति बढ़िया, ठीक है? अब इस R1 R2 को कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम लोग देखते हैं। मैथ्स में हम एक ट्रायंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये कोसाइन फॉर्मूला क्या है थोड़ा याद कर, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ये हमें बहुत काम आने वाला है, खासकर बायोलॉजी स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर बी के ठीक अपोजिट बी है, और ये साइड अगर बहुत इसके ठीक अपोजिट क्या है, सी है। क्लियर? ट्रायंगल का रोटेशन ये होता है कि ये एंगल अगर ए है तो उसके ठीक अपोजिट में साइड क्या होगा, ए होगा। एंगल अगर बी है तो उसके ठीक अपोजिट में साइड बी होगा। अगर एंगल सी है तो ठीक अपोजिट में क्या होगा, सी होगा। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस अगर मुझे मान लीजिए कि कॉस ए चाहिए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है? इसको लिख लें आपको कॉस ए का फॉर्मूला, तो कोसाइन फॉर्मूला इसको कहते हैं, बहुत जरूरी है ये। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जिसके बीच में है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। क्लियर है? बताए होंगे सर विकास से, बढ़िया। अब इसको ना यहां पे यूज करना पड़ेगा अपने को, कैसे यूज करेंगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं कि cos theta equals to क्या होगा, by using cosine rule, cos theta equals to कितना होगा, cos theta equals to होगा, अब गौर खुद गौर से देख लो, cos theta क्या होगा, r square प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर बाई 2ar। क्लियर है क्या? खुद सोच लो एक बार, ट्रायंगल में देख लो, थीटा, गौर से देखो सब लोग, कॉस थीटा हमने लिखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई 2ar कॉस थीटा। क्यों ना सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2ar कॉस थीटा। क्लियर है सबको? अब हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, आर टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, लिख सकते हैं, r2 square by
R2 square equals to R1 square plus A square minus 2 AR cos theta. अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे कैसे वन बाई आर टू की वैल्यू कैसे निकाली जाए. सबके मन में यही सवाल है कि वन बाई आर टू की वैल्यू कैसे निकाली जाए. तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे है कि क्यों ना अपन आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे. क्यों ना इस इक्वेशन को सब लोग यहां तक लिख लो पहले. सब लोग पहले यहां तक लिख लो, इसको लिखो पहले. मैंने कोसाइन रूल लगाया इस ट्रायंगल में. एक आर टू स्क्वायर इक्वल टू निकाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा. लेकिन अपने को आर टू नहीं चाहिए, अपने को वन बाई आर टू चाहिए. तो वो कैसे निकालेंगे. जल्दी से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. डन, बढ़िया, ठीक है. चलो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, बस ऊपर के दो लाइन हटाऊंगा, ठीक है. चलो देखते हैं. अब मैं इसको क्या करता हूं कि दोनों साइड ना आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. देखते हैं क्या आता है अपने पास. तो क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया क्या. सिंपल सा, दोनों साइड आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, सॉरी आर टू का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर टू का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स वन प्लस ए स्क्वायर ए बाई आर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा. अब जल्दी नहीं करते कैलकुलेशन थोड़ा सा, ठीक है. तो अपने पास कुछ इस तरह कैलकुलेशन आ गया. तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वन प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर. क्या ए बाई आर बहुत ही कम नहीं, छोटा नहीं हो जाएगा क्या. वी नो कि ए जो है, ए जो है वो बहुत ही लेस देन आर होता है. तो इसको इग्नोर कर दें क्या. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं आर टू बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा. सब लिख सकते हैं क्या. क्या सब लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या. सब लोग यहां तक आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा. सब लोग लिख सकते हो. एकदम नॉर्मल तरीके से जा रहा हूं. मुझे वन बाई आर टू चाहिए, मेरा अल्टीमेट मकसद वही है. मेरा अल्टीमेट मकसद यही है. मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, क्यों ना हम लोग वन आर टू स्क्वायर है, क्यों ना हम लोग यहीं पे लिखते हैं वन बाई, हम लोग लिखते हैं आर टू लिखते हैं. आर टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर टू इक्वल्स टू हो जाएगा आर हो जाएगा वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा टू दी पावर वन अपॉन टू. सिंपल, मैंने आर आर टू हमने निकाली, आर टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर इंटू वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा टू दी पावर वन बाई टू. जल्दी से इसको लिखो, जल्दी इतना लिखो. बस एक मिनट में खत्म हो जाएगा. ये डेरिवेशन खत्म हो गया, दूसरा वाला भी खत्म हो जाएगा. आर टू लिख चुके हो, लेकिन मकसद अभी भी कहां पूरा हुआ है. मकसद तो अपना वन बाई आर टू है. तो क्यों ना इसको आर टू को रिप्लेस कर देते हैं वन बाई आर टू से. यानी हमने क्या लगा दिया, हमने दोनों साइड टू दी पावर माइनस वन लगा दिया, ठीक है. वन बाई आर टू किया, जैसे रेसिप्रोकल किया तो इस पे भी ये भी कितना हो जाएगा वन बाई आर. और सब हमने एक्चुअली में क्या किया कि सबका पावर माइनस वन लगा दिया, माइनस वन लगा दिया दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इधर कितना आ गया वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू. क्लियर, टू दी पावर माइनस वन अपॉन. अब अपने को सॉल्व करना है. याद करिए, आपने पढ़ा होगा कई बार वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है वन प्लस एन एक्स. याद करो, आपने कई जगह ये फॉर्मूला यूज किया है.
जब x बहुत छोटा हो, फ्रैक्शन में हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, 1 प्लस nx यूज कर लेते थे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्लियर है, या बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, 1 by r2 equals to 1 by r, 1 माइनस माइनस कितना, ये 1 प्लस nx मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन और फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास 1 by r2 equals to 1 by r, 1 प्लस a by r cos थीटा, 1 by r into 1 प्लस a by r cos थीटा। सबको क्लियर है क्या? वन बाई आर टू इक्वल्स टू आ गया 1 by r into 1 plus a by r into cos theta। ये एक पार्ट निकाल लो, दूसरा पार्ट में कुछ नहीं करना है, साइन बदल जाएगा बस, क्योंकि यहां पे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस cos थीटा हो जाता है। तो मैं कुछ नहीं अपन करेंगे, अगर अपने को 1 by r2 आ चुका है तो अपन कुछ नहीं, सीधे सीधे वन ऐसे लिखेंगे, Similarly, 1 upon R1 equals to 1 by R, 1 minus A by R cos theta. चलो, 1 by R2 की वैल्यू भी आ गई और 1 by R1 की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला में यूज करना है और फाइनल एंड करना है उसको, ठीक है, क्लियर है, देखते हैं। हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, कोई याद दिलाएगा क्या था फॉर्मूला हमारा शुरुआत में, 1 by 4 pi epsilon naught q upon q 1 by r2 था ना? Yes sir. r2 minus 1 upon r1, ठीक है, वैल्यू पुट नहीं कर देंगे, कर देते हैं पुट, क्या आ रहा है, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by r2 का वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस a by r cos थीटा माइनस इतना, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 1 by r2 minus 1 by r1 करेंगे भी हम लोग तो हमारे पास 1 by r तो चलो बाहर ही आ जाएगा, 1 by r बाहर आ जाएगा और ये 1 1 खत्म हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 2 a by r cos थीटा, सब्ट्रैक्ट कर लो ना इसको, मल्टीप्लाई, देखो 1 by r2 minus 1 by r1 करने पे 1 by r अपन कॉमन उठा लेंगे, कॉमन उठा लेंगे, कॉमन निकल गया बाहर, 2 a by r कितना हो गया, cos थीटा। अब अपने पास q into 2a होता है डाइपोल मोमेंट, तो क्या लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught ऊपर हो गया p, क्लियर है, और 1 r into r कितना हो जाएगा, r square cos थीटा। ये आपका फाइनल किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं इतना मेहनत इस पे इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। अब इक्वेटोरियल निकालना है, एक्सियल निकालना है, वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो जेई वाई के लिए तो फॉर्मूला याद रखना है खाली, 1 by 4 pi epsilon p cos theta upon r square, ये तो फॉर्मूला याद रख ले तो काम हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये थोड़े ना काम आएगा बोर्ड्स में फॉर्मूला याद करना, तो इसीलिए इतना मेहनत किया है भाई। चले, तो अपने पास अब कुछ रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का जल्दी से एक मिनट में कंक्लूजन कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, हमने देखा कि माइनस क्यू है प्लस क्यू है, किसी भी आर थीटा पॉइंट पे अगर अपने को पोटेंशियल चाहिए तो फी का फॉर्मूला होता है 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, तो आप एक्सियल पॉइंट पे पूछ लो, जैसे ही कोई बोलेगा आप थीटा जीरो मान लो, थीटा क्या है, जीरो,
cos 0 कितना होता है 1, कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा, आप बोलो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में 90, cos 90 कितना होता है 0, तो पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे क्या होगा 0। क्या क्लियर है सबको? क्या सबको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा? और ये डेरिवेशन निकालना होगा तो कुछ दम थोड़े है उसमें, डेरिवेशन तो हमारा आराम से निकल सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने को डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा आर थीटा पे ही आएंगे, तो उसी पे फोकस ज्यादा रखते हैं अपन। क्लियर है यहां तक? ये दोनों के होने के बाद अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जो मैं चाहता नहीं हूं कि कल खींचूं, बिकॉज कल से हमें कैपेसिटर शुरू करना है, ठीक है? तो अपन लास्ट टॉपिक है वो है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? हो सकता है थोड़ा न्यूमेरिकल सच कम हो जाए, लेकिन ये मैं पढ़ाना भी जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन, ठीक है? सो मानते हैं मैं 10 मिनट और लूंगा आपका, ठीक है? मानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया हमने, ये इसका ओ है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? हमने रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जानता है कि डाइपोल क्या होता है और क्या नहीं होता, वो तो चार्ज देखेगा। तो चार्ज देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो पहला चार्ज उसको दिखा माइनस क्यू, तो उस पे देखा उसने कि चलो फील्ड कैसा होगा, तो उसने देखा कि फील्ड की वजह से क्या लगेगा इस पे, फोर्स लगेगा किधर, क्यू इंटू, याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है, कितना लगेगा क्यू इंटू ई, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इस पे भी एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा क्यू इंटू E, तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, याद रखना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखना बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, जीरो। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, नेट फोर्स तो चलो जीरो है, लेकिन मसला यह है कि फोर्स लग कैसे रहा है। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाऊं तब तो ठीक है, वो कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन एक फोर्स यहां लगाऊंगा और एक फोर्स यहां लगाऊंगा ना, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और यहां भी वही हो रहा है। इस रॉड पे, रॉड मान लो इसको ऐसे पुल कर रहे और इसको ऐसे पुल कर रहे, तो इस केस में जनरली क्या होगा कि ये रॉड जो होगा वो घूम जाएगा, और ये घूमेगा तो जरूर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। अब ये टॉर्क कैसे लगेगा थोड़ा देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा देखते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये जो आपका मतलब डाइपोल है वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो इस पे टॉर्क कैसे लगेगा? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये तो अपने को लेंथ पता है, कितना लेंथ कितना है, 2a, ठीक है? लेकिन अगर बात होगी कि दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लग रहा है, तो आप भी जानते हो ये क्या होगा, ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा। फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अपने को पता है, फोर्स कितना है अपने पास, q इंटू e, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच कितना है, ऐसे लग रहा है फोर्स, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 2a sin थीटा। तो लिख सकते हैं क्या, टॉर्क लगा कितना, 2a sin थीटा, q इंटू 2a कितना होता है, PE sin, सिंपल चार्ज इंटू 2a कितना होता है, डाइपोल मोमेंट। तो क्या लिख सकते हैं,
PE साइन थीटा, और यही है आपका टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे PE साइन थीटा, क्लियर। एक एक क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस क्यू, क्लियर है। टॉर्क कह सकते हैं पी क्रॉस क्यू। तो आपके आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला कि कब टॉर्क जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा और जब थीटा 180 डिग्री होगा उस वक्त ही सिर्फ टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। याद रखना है एट थीटा इक्वल्स टू जीरो एंड 180 डिग्री टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, टॉर्क क्या होगा, जीरो। उस वक्त आपका नेट फोर्स भी जीरो होगा। भाई 180 डिग्री ज्यादा एंगल नहीं हो सकता प्रत्यूष, थोड़ा दिमाग लगाओ देखो, ठीक है। 2n पाई कहां से जोड़ दोगे एंगल, 2n पाई कैसे जो लगा दोगे एंगल फील्ड से। थीटा जीरो है और थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। थीटा जीरो और 180 डिग्री, टॉर्क जीरो, यानी कह सकते हो क्या कि इस वक्त पे आपका फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा, यानी इस वक्त पे आपका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा और रोटेशन भी नहीं होगा। इन दोनों सिचुएशनों को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, जहां पे ना टॉर्क जहां पे ना फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। याद रखिएगा टॉर्क जहां पे जीरो होता है, जीरो वारंटी भी, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल थोड़े दो मिनट में आ जाएगा, ठीक है, स्टेबल। खैर आगे बढ़ते हैं, टॉर्क, अच्छा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। यानी अगर डाइपोल को ऐसे रख दोगे तो टॉर्क जो लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम, यानी कह सकते हो थीटा इक्वल्स टू 90 पे टॉर्क जो लगता है वो मैक्सिमम लगता है, कितना होता है, PE साइन 90 कितना हो जाता है, 1। क्लियर है टॉर्क के बारे में, ठीक है। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल डेरिवेशन ना करते हुए भी हम सीधा कह सकते हैं पोटेंशियल होता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है, पी डॉट ई, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला जो होता है वो पी डॉट ई होता है, या इसको कह सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, पी माइनस पी ई कॉस थीटा, क्लियर है। याद रखिएगा कि जहां पोटेंशियल मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कहां देखते हैं ये मैक्सिमम कब होगा, तो याद करिए थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, यू मैक्स कितना होगा एट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा पीई। इसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो था, प्रूफ कर दिया था हमने, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और यू मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा, और उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पीई कॉस जीरो कितना होता है, 1। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से आते हैं, हमने बात किया दो इक्विलिब्रियम है, जीरो और 180 पे, कैसा इक्विलिब्रियम है वो कब पता चला, वो पता चला पोटेंशियल एनर्जी से। जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे अनस्टेबल, जहां मिनिमम होगा वहां पे कहेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा जा रहा हूं, आप मुझसे दोबारा डाउट पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, ठीक है, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग है, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्क कितना करेंगे कि रोटेट हो जाए, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दिमाग लगाना ही नहीं है,
वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मान लो अगर हम कह रहे हैं आपको कि थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक रोटेट कर देना है, मतलब बोल रहे हैं हम आपको यू फाइनल कितना होगा माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस माइनस पीई कॉस थीटा वन, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो आज खत्म हुआ है, कल से हम कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक है। या दूसरे चैप्टर में भी हमारा पोटेंशियल वगैरह खत्म हो गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जानो तो डेढ़ चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर बचा, और कैपेसिटर में हम उसको भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बिकॉज हमें करंट में एंटर करना है जल्दी से। चलो आई थिंक इट इज डन, एक बार इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूं और मैं फाइनल चलो एवरीवन स्टॉपिंग द क्लास।